इस वीडियो में हम राजस्थान नवगठित जिले के अंतर्गत जिला ब्यावर का जिला दर्शन करेंगे। अर्थात जिला जो ब्यावर है राजस्थान नए जिलों के अंतर्गत जो 19 जिले बने हैं जिसमें से एक जिला बना है ब्यावर। पिछले दो वीडियो में हमने बालोतरा और अनूपगढ़ की बात की थी, है ना। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप ब्यावर को जानेंगे, ब्यावर का जिला दर्शन करने वाले हैं। ब्यावर में कितने जिले हैं और किन किन तहसीलों से मिलकर बना है, उपखंडों से मिलकर बना है, ये सारे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ब्यावर है किस से अलग हुआ है। जैसे कि एक प्रश्न आता है हमारे जीके में, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर अजमेर में पड़ता है। अर्थात ब्यावर है वो अजमेर में है। अब ब्यावर खुद एक अपने आप में जिला बन चुका है, ये खुद सीमित है अपने आप में, ठीक है ना। तो ब्यावर खुद एक जिला बन चुका है जो कि किससे अलग होकर बना है, ये अजमेर से मिलकर बना है। तो पहले ब्यावर का जो है बादशाह का मेला कहाँ पड़ता था? अजमेर में पड़ता था और अजमेर ब्यावर था। तो ब्यावर अब एक खुद एक जिला बन चुका है जो कि अजमेर से अलग होकर बना है और अजमेर की कुछ तहसीलें या उपखंड है उनको अलग करके खुद ब्यावर एक जिला बन चुका है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उपखंड और तहसीलों से मिलकर आपका खुद एक ब्यावर जिला बन गया है। सबसे पहले उपखंडों को हम देखेंगे, ठीक है ना, और तहसीलों को देखेंगे। अगर हम उपखंडों की बात करें तो लगभग 6 उपखंड है जिसे मिलकर ब्यावर जिला बना है। देखते हैं, ब्यावर एक उपखंड है खुद, टोटगढ़, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं, टोटगढ़ है ना, टोटगढ़ से मिलकर बना है, उपखंड है। जेतारण एक उपखंड है, रायपुर एक उपखंड है, मसूदा, ठीक है ना, मसूदा है, कहाँ है भाई साहब? अजमेर में है। क्या विशेषता है इसकी? मसूदा राजस्थान का प्रथम पूर्णतः साक्षर गांव है। क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक और सबसे प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। पूर्ण साक्षर जहाँ पर लोग सबसे पढ़े लिखे हैं, अगर राजस्थान में ऐसा कोई गांव है जो सबसे ज़्यादा पूर्ण है, पूर्ण साक्षर गांव अगर बात करें तो वो है मसूदा। और मसूदा कहाँ है? अजमेर में। अब मसूदा चला गया आपका उठ करके ब्यावर में, अभी अजमेर में नहीं रहा। मसूदा कहाँ है? राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा है। कहाँ है? अजमेर में। अब कहाँ चला गया? अब ब्यावर में। तो मसूदा एक उपखंड भी है। बदनोरा की ऐसे गाना आता है, वो भी आपका ब्यावर उपखंड में चला गया है। मतलब बदनोर एक उपखंड है ये। अब ये जो है ब्यावर, टोटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनोर, ये है उपखंड। अब तहसीलों की अगर हम बात करें तो ब्यावर एक तहसील है, टोटगढ़ एक तहसील है, जेतारण अजमेर की तहसील है, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनोर, ठीक है ना। इन सात तहसीलों को मिलाकर खुद ब्यावर एक जिला बन चुका है, ठीक है ना, जो कि इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। तो इनमें नाम याद रखने के, किन जिलों को बनाकर, किन तहसीलों को बनाकर ब्यावर एक जिला बना है, तो इन तहसीलों को बनाकर मिलाकर ब्यावर खुद एक जिला बन गया जो कि अजमेर से भिन्न हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने किया ब्यावर का जिला दर्शन। आने वाले वीडियो फिर हम एक नए जिले की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।